स्वागतम है आपको अपने चैनल सम्राट सीईडी पे। तो गाइस आज मैं आप लोगों को वन वे स्लैब की ड्राइंग बताऊंगा। अगर आपने मेरे दो लेक्चर की वीडियो नहीं देखी है तो डालेंगे डिस्क्रिप्शन में डालकर जा करके वो सिंगली रेनफोर्ड बीम और डबली रेनफोर्ड बीम की ड्राइंग देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं वन वे स्लैब की ड्राइंग कैसे बनती है। बात करते हैं वन वे स्लैब। अगर क्वेश्चन में ओनली दे दिया रहेगा स्लैब की ड्राइंग बताइए, तो आप कैसे जानेंगे वन वे है या टू वे है। अगर उसकी लेंथ और ब्रिथ की जो रेशियो होती है अगर दो से अधिक है देन वह वन वे स्लैब है। तो देखिए ये रूम साइज है, रूम साइज 2x5 है। अगर 5/2 करते हैं तो 2.5 आएगा, जो क्या है दो से अधिक है। इट मीन्स एक वन वे स्लैब बनेगी। इतना कंफर्म आपको हो गया। अब आइए देखते हैं डाटा क्या क्या गिवन है। सबसे पहले डाटा में भी गिवन रूम साइज दे रखा है 2x5, जिसकी विथ है, चौड़ाई है 2 मीटर एंड लंबाई 5 मीटर। और इसमें एक और बात है, जो मेन बार डाली जाती है ना वो चौड़ाई के अनुदिश अल्टरनेट क्रम में एक के बाद एक बेंटअप की जाती है, चौड़ाई के अनुदिश। फिर रूम साइज है, अब रेनफोर्ड इसमें किया गया है, उसमें मेन बार दे रखा है 10mm5 एट द रेट 200 सेंटर टू सेंटर, ये 200mm सेंटर टू सेंटर है। अल्टरनेट क्रम में L/7 पे क्या है बिल्टअप है। अब L/7 क्या है आपको मैंने बताया था, जो L है इसमें इफेक्टिव स्पैन है। डिस्ट्रीब्यूशन बार है 8mm5 एट द रेट 300mm सेंटर टू सेंटर, इसमें एम एम नहीं लिखे हैं बट लिख सकते हैं सेंटर टू सेंटर। उसके बाद से ये जो कवर है, इसमें कवर दे रखा है क्लियर कवर 15mm, एंड कवर 25mm, एक्सपेंशन गैप 50mm, थिकनेस ऑफ स्लैब 120mm, वॉल थिकनेस 300mm। अगर इसमें कोई भी डाटा क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, जैसे एंड कवर ना दिया हो, क्लियर कवर ना दिया हो, ये पूरी मैं स्टैंडर्ड ड्राइंग ही बताता हूँ, यही आप मान सकते हैं। अब आते हैं देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्केल मानेंगे। हमने स्केल ले रखा है 1:15 की, इतने पे स्केल पे आप इसको ड्रॉ करेंगे। तो अब इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप इस स्लैब ड्रॉ करेंगे। अब इस स्लैब ड्रॉ करने के लिए कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, तो देखिए यहाँ पे दे रखा है 2 मीटर क्या है कि आपकी क्लियर स्पैन 2 मीटर है, प्लस जो इसकी वॉल की थिकनेस है वो 300mm है, यानी 0.30 मीटर, तो 2.30 मीटर। अब आप इसको स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आएगा 2.30/15 इक्वल टू आ रहा है 15.33 सेंटीमीटर। डायरेक्ट मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। आप यहां से लेकर यहां तक 15.33 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, यानी आप 15 सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आएंगे, तो क्योंकि ये जो लेंथ है वो 5 मीटर है, तो 5 मीटर को नो नहीं शो करेंगे, इसकी कुछ ब्रेक लाइन से दिखा देंगे। तो कुछ दूरी पे यहाँ से यहाँ आप आ जाएंगे, अपने अनुभव के आधार पर कुछ दूरी तक आ जाएंगे, आपने इसको ड्रॉ कर ली। अब बात करते हैं यहाँ से ये जो डॉटेड लाइन है, ये क्योंकि स्लैब रहेगा वो आधे तक तो स्लैब रहेगा, वॉल के आधे तक स्लैब रहेगा, तो अंदर की डॉटेड हमने लाइन दिखाई है। अब इसको किस प्रकार दिखाएंगे, चूँकि थिकनेस कितनी है वो 300mm है, जब स्केल पे लेंगे तो आएगा 15×2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, इधर से ऊपर से 2 सेंटीमीटर पर, और साइड से 2 सेंटीमीटर पर एक आप पॉइंट ले लेंगे। सेम ऐसे ही ऊपर से और साइड से पॉइंट लेने के बाद एक डॉटेड लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे। अब आपने इसको भी ड्रॉ कर ली और इसको भी ड्रॉ कर ली। अब बात करते हैं, अब इसको कितने पे जो ये है ना दो लाइन दिखा रखे हैं, ये आपका है एक्सपेंशन गैप, जो हमने यहाँ पे लिखा है एक्सपेंशन गैप 50mm की है। अब इसको ड्रॉ करेंगे, अब इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, तो जो यहाँ से यहाँ तक कितना है 300mm है, तो 150mm पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 150mm होगा, 150mm पे आप पहली लाइन
ड्रॉ करेंगे। अब 150 mm को अगर स्केल पे चेंज करेंगे तो इधर से 1 cm का और इधर से 1 cm के एक पॉइंट लेंगे, सेम ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे और ए लाइन ड्रॉ करने के बाद ये नीचे चले आएंगी और ये भी नीचे चले आएगी। उसके बाद इस सेकेंड लाइन कितने पे है तो ये आपका है 50 mm गैप है। अगर इसको आप स्केल पे चेंज करते हैं 50 को 50 डिवाइड तो आपका आएगा 3.3 mm। आप 3 mm लगभग यहाँ से उनके बीच की दूरी कितनी है 3 mm पे ये सेकेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आपका वॉल की थिकनेस ड्रॉ हो गई, अब एक्सपेंशन गैप हो गई। इसके बाद से अब इसमें मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करने हैं, वो किस प्रकार लगाएंगे तो सबसे पहले आते हैं ये मेन बार के, जो ये ब्लैक कलर में है ये मेन बार है आपकी। इसको कैसे लगाएंगे तो इधर साइड से आपका कितना कवर दे रखा है, आपका पिंड कवर 25 mm को अगर स्केल पे चेंज करते हैं तो आएगा 1.67 mm लगभग। इसे आप 1.5 mm मान लीजिएगा, ठीक है 1.5 mm इधर से इधर 1.5 mm छोड़ेंगे और इधर से इधर 1.5 mm। अब बात करते हैं यहाँ से यहाँ कितनी mm छोड़ेंगे, तो चूँकि 1.5 mm तक तो ए लाइन डिस्ट्रीब्यूशन की आगे तक चली गई है तो इसे 3 mm इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 mm छोड़ देंगे, यानी यहाँ से यहाँ 3 mm और यहाँ से यहाँ 1.5 mm पे पहली पॉइंट और इधर से 1.5 mm पे ऊपर से 3 mm पे पहली पॉइंट। अब इसे मिला देंगे, अब ध्यान से आप लोग देखेंगे तो इसे भी हम डॉटेड किए हैं वाला, ये डॉटेड है फिर इधर है फिर इधर है, अल्टरनेट क्रम में दूसरी तरफ एक के बाद एक दूसरी तरफ एक इधर है तो एक इधर है, आपके क्या है डॉटेड किए हैं। आप ये क्यों किए हैं, जो दे रखा है आप बेंटअप फ्रॉम L/7 पे ये बेंटअप है। अब बात करते हैं हम L/7 कितनी दूरी पे ये डॉटेड रहेगी। अब ये इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं, जो इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे 2.15 मीटर निकाल रखे हैं वो कैसे निकालेंगे तो आइए देखते हैं। जो क्लियर स्पैन है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो क्लियर स्पैन आपकी 2 मीटर की है, 2 मीटर अब यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक जाएंगे इसके आउटर साइड तक, जो आपने इसके एक्सपेंसिव गैप दे रखे हैं यहाँ तक आएंगे तो लेकर 2 और प्लस आधे तो ये 300 है तो 0.15 इस साइड में आ जाएगी और 0.15 इस साइड में, तो आपकी हो जाएगी प्लस 0.15 तो ये हो जाएगी 2.30। यहाँ तक आप पहुँच गए, उसके बाद से एक्सपेंशन गैप इधर भी माइनस होगी और एक्सपेंशन गैप इधर भी होगी, चूँकि ये 50 mm की है तो 50 100 mm हो जाएगी और 100 mm यानी 0.10 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 2.20 हो जाएगा, इतना हो जाएगा यहाँ तक, क्योंकि यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आपकी एंड कवर दे रखी है, एंड कवर कितनी है 25 mm तो 2.20 तो वहाँ तक आया और 25 50 mm आ जाएगी, 50 यानी 0.050 इतना जब माइनस करेंगे तो 2.15 मीटर के हम मीटर में चेंज कर दिए हैं 10 mm से, अब 2.15 मीटर बचेंगे। ओके गाइज 2.15 मीटर इसकी इफेक्टिव लेंथ हो गई। अब इफेक्टिव लेंथ इतनी आ गई तो हमें ये डॉटेड कहाँ से करनी है तो L/7 पे। अब इसे 2.15 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.31 मीटर। अब इसको स्केल पे चेंज करेंगे 0.31 डिवाइड अपॉन 15 आएगा मीटर में 0.02। जब इसे आप 100 से गुणा करके सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आएगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप 2 सेंटीमीटर की दूरी पे आप इसे डॉटेड करेंगे। अब आप मिनी ड्राफ्टर पे कैसे करेंगे, इस जो ड्राइंग शीट होती है उस पर आप हल्की सी यहाँ से बहुत हल्की सी एक पतली सी जो एकदम और लाइट लाइन नहीं होती है हल्की सी एकदम ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ ड्रॉ कर देंगे, सिर्फ ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद ये पहले आपने ड्रॉ कर ली यहाँ डॉटेड, अब दूसरी ड्रॉ करने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस छोड़ेंगे तो वो आपको छोड़ना है। देखिए 200 mm सेंटर टू सेंटर है, इसे आप स्केल पे चेंज करेंगे तो 200 / 15 = आएगा 13.5
3.33 mm आएगा, क्योंकि mm है तो mm आएगा, तो 13.33 लगभग 13 mm, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी वो 13 mm। फिर वही बात, इधर से आप 25 mm जो था उसे स्केल पे चल करके यहाँ से यहाँ छोड़ देंगे और इसे ड्रॉ करते करते यहाँ तक आएंगे, और जो पहले आप गाइड लाइन ग्रे रखी है हल्की सी यहाँ पे, तो वहाँ से आप डॉटेड कर देंगे। देन फिर 13 mm के बाद और इधर से 25 mm को चेंज पे स्केल पे चेंज करने के बाद फिर इसको ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से डॉटेड। फिर वैसे ये आपने मेन बार 10 mm 2 mm सेंटर टू सेंटर अल्टरनेट क्रम में जो बेंट अप है 10/7 पे उसे आपने ड्रॉ कर लिया। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार की, कैसे ड्रॉ करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार को ड्रॉ करने के लिए फिर आप साइड से आ जाएंगे इधर किनारे से, क्योंकि ये तो आपने 25 mm तक यहाँ तक एंड कवर है, तो 1.5 mm आपका लगभग आया था, तो आप 3 mm यहाँ से यहाँ 3 mm पे ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इधर आप 1.5 mm छोड़ेंगे, क्योंकि तो यहाँ से हम गई है, तो 1.5 mm इधर से और 3 mm इधर से पहली लाइन ड्रॉ करेंगे। दूसरी लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको दे रखा है @300 सेंटर टू सेंटर है, जब आप स्केल पे चेंज करेंगे तो वो आपका आएगा 2 सेंटीमीटर, 15 दूरी 30 होता है तो 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर पे ये लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अब बात आती है यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी, अगर यहाँ से यहाँ बीच की दूरी ड्राइंग शीट पे 4 सेंटीमीटर है तब तो 2 और 2 पे लगा देंगे, बट अगर कम है उससे थोड़ा कम है 4 सेंटीमीटर नहीं 3.5 सेंटीमीटर है, तो उसको अपने हिसाब से साइड वाले दो जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है ना अपने हिसाब से दोनों को एडजस्ट कर लेंगे, एक किनारे से थोड़ा छोड़ देंगे और फिर इन दोनों के मध्य में एक लगा देंगे। तो ये आपका रहा डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm हाई की है और 300 mm सेंटर टू सेंटर। अब इसका क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, ये तो आपका हो गया प्लान ऑफ ए वन वे स्लैब की। अब आते हैं इसका क्रॉस सेक्शन, अगर MD से बना रहे हैं तो इसका सेक्शनल एलिवेशन में आपको कुछ करना ही नहीं है, सेम MD यहाँ पे रखेंगे, जैसे मैंने स्केल से बनाए हैं इसके नीचे ये आएगा, सभी का प्रोजेक्शन नीचे ले लिया जाएगा, तो जैसे हमने इसका प्रोजेक्शन लेकर ये बनाए हैं, सिर्फ ये जो है ना ये जो है आपका एक्सपेंशन गैप, तो ये एक्सपेंशन गैप दिखा दिए हैं। उसके बाद से अब बात करते हैं इसे बनाना कैसे है, तो इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो ये मिलेगा, इससे नीचे आप अब वॉल की हाइट कितनी है उसको नहीं दिखानी है तो ब्रेक लाइन से दिखा देंगे, तो ये आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक इसके प्रोजेक्शन पे आ जाएंगे, ये पॉइंट मिलेगा, और यहाँ से यहाँ नीचे कितनी आनी है तो 120, जो आपकी स्लैब की थिकनेस है 120 mm, अगर आप इसको स्केल पे चेंज करते हैं तो आएगा आपका 8, यहाँ से यहाँ 8 mm आपको आनी है, यहाँ से यहाँ 8 mm आनी है, और यही चीज़ यहाँ आने के बाद इसको आगे तक कहाँ तक ले जानी है, तो इसके प्रोजेक्शन जहाँ तक आए रहेंगे MD से आप करेंगे तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ फिर चीज़ें मिलेंगी आपको, फिर एक्सपेंशन गैप मिलेगा, और यहाँ से यहाँ 8 mm, और इसको आप एक बॉक्स बना देंगे। अब आपकी ये बॉक्स तैयार हो गई, ये और ये वाली बॉक्स तैयार हो गई। अब इसमें हमको क्या डालने हैं, ये जो आपका है ना जो सामने से देखने पे ये आपका मेन बार जो दिखाई देगा उसकी सेम प्रोजेक्शन, जो एक पॉइंट लिए थे इधर का एंड कवर वो यहाँ आपको एंड कवर मिल जाएगा, बट यहाँ से क्लियर कवर अब दिखाई देगी सामने से, जो यहाँ पे 15 mm है तो नीचे से 1 mm की दूरी पे एक गाड़ी लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इधर से लगभग 1.5 mm छोड़ेंगे। ये ड्रॉ हो जाने के बाद से अब 7/L पे इसे बेंट अप करना है, और ऊपर से भी जो ऊपर का यहाँ पे कवर रहेगा वो भी 15 mm ही रहेगा, यानी 1 mm ड्राइंग शीट पे रहेगी। तो यहाँ से आप 45 डिग्री के एंगल पे इसे आप बेंट अप कर देंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, तो ये डिस्टेंस जो आपकी इफेक्टिव 2.15 है ना, जब इसको आप चेंज करेंगे तो L/7 पे 0.31 मीटर आएगा, लगभग 2 सेंटीमीटर पर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर वही आएगी, ऊपर वाली प्रोजेक्शन जो यहाँ थी ना उसी को यहाँ पे ले लीजिएगा और बेंट अप करके यहाँ से यहाँ मिला लीजिएगा। अब बात करते हैं जो इसमें ये देख रहे हैं ना ये वाला ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है आपका, वो तो कैसे लगाएंगे, तो किनारे पे इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे आ गई है, इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे आ गई है, इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे, सेम ऊपर का प्रोजेक्शन नीचे उतार देंगे। लेकिन हाँ, अगर आप साइड पे बना रहे हैं एक आप और याद रखिएगा, साइड पे बनाते समय आप इन ड्राइंग को नहीं देख करके बनाते हैं, यहाँ पे किनारे पे एक एक लगेंगे
और यहाँ पे जो बेल्ट अप है एक यहाँ पे लगाते हैं और एक यहाँ पे लगाते हैं। जैसे देखिए इसको हम प्रोजेक्शन लिए है तो ना यहाँ पे 12 आया है ना यहाँ पे आया है, बट साइड पे हम एक यहाँ एक यहाँ एक मिडिल में लगाते हैं। तो ये आपका ये जो पॉइंट पॉइंट से दिखाए हैं वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार रहा और ये आपका मेल बार रहा। और पीरियड स्पेन आपका लिख दिए हैं, ये 50 स्पेन लिख दिए हैं और इसका नाम लिख देंगे सेक्शनल एलिवेशन ऑफ ए वन वे स्लैब और नीचे ऑल डाइमेंशंस आर इन एमएम, वॉल थिकनेस हो गई। तो टोटल जितनी भी इसमें चीज़ें होती हैं। अब एक बात और आपको हम बता दें, जो ये क्लियर स्पेन है ना अगर आप यहाँ पे दर्शा देते हैं ठीक है, दर्शा देते कोई नहीं, बट एग्जामिनर अच्छे होते हैं ना तो आपको फुल नंबर नहीं देते, क्योंकि कोई भी जो एरो होती है ना वो अंदर नहीं दिखाई जाती स्ट्रक्चर के अंदर, या तो आप बाहर दिखाएं देख रहे कोई कुछ भी इसमें कटा है नहीं ना बाहर। और एक और बात है, एक और देखिए अब इसका भी कहेंगे सर ये तो यहाँ पे है तो उसकी मजबूरी है। और एक और बात है आपको बता दें कि कोई भी एरो होती है कभी 90 अंश पे नहीं दिखाना चाहिए। देखिए मैं इस मेन बार को ए बार को दिखाए हैं, कभी यहाँ पे 90 बना है नहीं ना, ना यहाँ पे बना है, या तो अधिक कोण बन जाए या न्यून कोण बने, 90 कभी नहीं बनना चाहिए कोई भी दिखाएं। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये भी कोई 90 नहीं है। तो ये हमारा रहा वन वे स्लैब। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो हम लोग सोच रहे हैं बीटीयू बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको जल्द से जल्द कवर करें पूरी सब्जेक्ट को, और स्टिल आपकी लेक्चर चल ही रही है देखने के लिए धन्यवाद।